दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मणिपुर से एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है, जिस महिला का नंगा फोटो है, नंगा वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से उस महिला का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, उसको लेकर हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह से बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से अभी तक वहां पे जो आगजमी है वो नहीं थमने का नाम ले रहा। उस वीडियो और फोटो को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वीडियो और ये फोटो 76 दिन हो चुके हैं, और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि जो प्रधानमंत्री जब विपक्ष में हुआ करते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो मणिपुर को लेकर के उनके तमाम ऐसे वीडियो हैं जो केंद्र की सरकार पर लगातार हमले करते थे कि संबंध केंद्र नहीं रखता। आज देश का प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने आवाज़ उठाई है। कितने शर्म की बात है प्रधानमंत्री के अभी विदेशी दौरे के बाद, कि अगर देश भारत की ये सरकार अगर मणिपुर के हालात को नहीं संभाल सकती है, तो यूरोपियन जो पार्लियामेंट्री मेंबर है वो उसको संभालने काम करेंगे। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि जो महिला कल्याण मंत्री हैं हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जो कि महिलाओं के मुद्दे पे तमाम, आप देखिए कैसी, चाहे हाथरस की घटना हुई, चाहे उन्नाव की घटना हुई, वो चुप्पी साध लेती हैं। आज शर्म का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता। 76 दिन हो गए हैं इस वीडियो को लेकर के, दो दो महिलाओं को नग्न करके उनको टहलाया गया, 150 से ज़्यादा लोग मर गए, 2.5 महीने का समय बीत गया, और हमारा प्रधानमंत्री आज 38 दलों के साथ बैठक कर रहा है, उसको ये नहीं दिखता है, केवल चुनावी मोड में प्रधानमंत्री रहते हैं। वो कहीं ऑफिशियल बैठक कर रहे हैं, वहाँ भी उनको एक प्रेत बाधा चढ़ी हुई है, इंडिया इंडिया। तो आज मुझे लगता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी आप सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उससे ऊपर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री जी मां तक नहीं बोल पाते, देश सुनना चाहता है, जहाँ उनकी सरकार है वो डबल इंजन है कि ये ट्रबल इंजन है। ये देश के लिए आज बताना मुश्किल हो गया कि डबल इंजन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रबल इंजन हो चुका है। आज मणिपुर उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। लेकिन वो फोटो और वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संसद में आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई, और कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया, जो हमारा विपक्षी दलों का गठबंधन, इस बात को हमने आज मुखरता से उठाया। अभी मुझे सूचना नहीं मिली है कि संसद में कार्रवाई के दौरान क्या किया गया, लेकिन आज जैसा कि हमारे प्रमुख नेता जयराम रमेश जी ने सुबह ही ट्वीट किया है कि हम इस मुद्दे को लेकर के संसद में उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी लगातार, आपने देखा कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी मणिपुर पहुँचते हैं, बताइए मणिपुर के लोग मिलना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज सरकार करती है, राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री स्वयं नहीं जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आखिर देश के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? क्या वहाँ पे जिस महिला का नग्न वीडियो तस्वीर चल रहा है, क्या स्मृति ईरानी जी उसके बारे में अनभिज्ञ हैं क्या? ये सवाल है, क्योंकि ये लोग लगातार जिस तरह से महिलाओं की, प्रधानमंत्री जी तो 15 अगस्त से कहते थे कि ये क्या वो मतलब नारी के सम्मान की बात करते थे, आज कहाँ चली गई? नर नहीं नारायणी का देश है ये, तो आज कहाँ है प्रधानमंत्री जी की भाषा, ये देश जानना चाहता है। और मुझे लगता है कि मणिपुर में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया है सांप्रदायिकता का, बंटवारे का, वो पूरे देश में इस तरह को फैला रही है, और आने वाले दिनों में देश की जनता लगातार इनको, जैसे हिमाचल में सबक सिखाई, कर्नाटक में सबक सिखाई, उसी तरह से 5 राज्यों के चुनावों में भी ये सबक सिखाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे देश में फूट डालो, नफरत करो, लोगों को बांटो, यही काम किया। ठीक है, तो आप संजीव सिंह को सुन रहे थे, जो मणिपुर को घटना को लेकर जिस तरीके से बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।